खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप गुरुवार को राज्य शासन के हेलीकॉप्टर एवं विमान द्वारा प्रदेश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गई। वहीं जबलपुर में दोपहर करीब 4 बजे राजकीय विमान द्वारा इंदौर से रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचे। आपको बता दें, डूमना विमानतल पर इसे CMHO डॉक्टर रत्नेश कोररिया द्वारा प्राप्त किया गया। इस अवसर पर SDM रांझी दिव्या अवस्थी भी मौजूद थी तथा CMHO डॉक्टर कोररिया ने बताया कि जबलपुर को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 39 बॉक्स प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक बॉक्स में 48 इंजेक्शन हैं। CMHO के मुताबिक शासन के निर्देशानुसार प्राप्त हुए रेमडेसिविर के 39 बॉक्स में से 29 बॉक्स मेडिकल कॉलेज को और 10 बॉक्स जिला अस्पताल को आवंटित किए जाएंगे। जो फ्लाइट से दवाई आई है, कितनी पेटी आई है, कितने इंजेक्शन आए हैं? कोविड के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने विशेष रूप से 39 बॉक्सेज रेमडेसिविर के भेजे हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेज और विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बहुत कारगर होंगे। 29 बॉक्सेज हमें मेडिकल को देना है, 10 बॉक्सेज विक्टोरिया अस्पताल के लिए मिलेंगे। हमें 480 इंजेक्शन मिलेंगे, जिससे हमारा मरीजों को बहुत सुविधा मिलेगी। इसको कब से दिया जाएगा? और ये अभी हमारे क्षेत्रीय संचालक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आज से ही हमारा काम चालू हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक चीज़ और पूछना था, ये क्या, ये कैसे दवाई है, फ्लाइट से आई क्या जी? ये इसको क्योंकि प्रदेश के अन्य शहरों में भी भेजना था, तो शीघ्र पहुंच जाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जितने जल्दी हमारे पास आ जाएगी, हम RJD स्टोर से हमें अभी रिसीव हो जाएगी, हम आज शाम से ही जो भी आवश्यक मरीज होंगे योग चालू कर देंगे। ठीक, थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।